हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट, उसका यूनिट नंबर 5, उसका सेकंड लेसन द एनिमल्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास के जानवर, एनिमल्स यानी जानवर। सो देखिए, देयर आर मैनी एनिमल्स अराउंड अस, हमारे आसपास में बहुत सारे किस्म के एनिमल्स होते हैं, यानी कि बहुत एनिमल्स हमारे आसपास में होते हैं, बहुत सारे जानवर। दीज एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये जो एनिमल्स होते हैं वो उनके कलर्स होते हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं, शेप्स उनका आकार एंड साइज, शेप्स एंड साइज भी उनका अलग अलग होता है। द वर्ड एनिमल इंक्लूड्स अ वराइटी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, जो वर्ड एनिमल होता है, कौन सा एनिमल, ये जो वर्ड है यानी कि ये जो शब्द है वो क्या है, अ वराइटी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, यानी एनिमल्स में कौन कौन होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स, क्रिएचर्स यानी जीव जंतु। सो काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स। सो फर्स्ट इज एनिमल्स, देखिए यहाँ पे ये कौन है, एलिफेंट। ऑल एनिमल्स हैव फोर लेग्स, जानवरों के कितने लेग्स होते हैं, फोर। टू ईयर्स, दो कान होते हैं एंड वन टेल, और उनकी एक पूंछ होती है, लाइक दिस। सम एनिमल्स हैव हॉर्न्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके सिंग होते हैं, हॉर्न्स यानी सिंग। सम एनिमल्स आर बिग एंड ह्यूज व्हाइल सम आर स्मॉल, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही बड़े और महाकाय होते हैं, ह्यूज यानी महाकाय, लाइक एलिफेंट, ओके। वाइल सम आर स्मॉल, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे होते हैं। तो देखिए इस पिक्चर में ये एलिफेंट है, ये ह्यूज एनिमल है, और ये बाकी के जो एनिमल्स है वो स्मॉल है, ओके। नाउ द सेकंड इज बर्ड्स, बर्ड्स यानी पंछी। बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड क्रिएचर्स, विंग्ड यानी पंखों वाले जीव होते हैं, बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड क्रिएचर्स। दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं। दे हैव टू विंग्स, उनके दो पंख होते हैं। टू लेग्स, दो पैर होते हैं एंड वन बीक, और एक चोंच होती है, बीक यानी चोंच। सम बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई व्हाइल सम ओनली हॉप ऑन द ग्राउंड, कुछ पंछी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ऊंचाई तक उड़ते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई वाइल सम ओनली हॉप ऑन द ग्राउंड, और कुछ एनिमल्स ऐसे और कुछ सॉरी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जमीन पर ही हॉप करते हैं, यानी कि उनकी जो ऊंचाई होती है बहुत ही छोटी छोटी होती है, ओके। उसके बाद में द ईगल, पिजन, स्पैरो, पैरट, पीकॉक, डक एंड हेन आर सम ऑफ द बर्ड्स, ये है कुछ बर्ड्स, ओके। नाउ द थर्ड इज इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कीटक। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, जो कीटक होते हैं उनके कितने पैर होते हैं, सिक्स। दे यूजुअली हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स, और उनकी दो पैर होती है, किसकी, पंखों की दो जोड़ियाँ होती है। द कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बी, ग्रास हॉपर एंड बटरफ्लाई आर सम ऑफ द इंसेक्ट्स, ये है कुछ इंसेक्ट्स के नेम। देन फोर्थ इज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, रेप्टाइल्स यानी कि क्रॉलिंग क्रिएचर्स, यानी कि जो जमीन पे सरकते हैं, क्रॉल यानी सरकना, तो इसे क्या कहेंगे, क्रॉलिंग क्रिएचर्स यानी सरीसृप जीव जंतु। द रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जमीन पे रेंगते हैं, क्रॉल यानी रेंगना। सम हैव शॉर्ट लेग्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते कि उनके लेग्स होते हैं बहुत ही शॉर्ट होते हैं, व्हाइल सम हैव नन, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके लेग्स नहीं भी होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स, और उनको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स कहते हैं। स्नेक्स, वर्म्स, अर्थवर्म्स, लिजार्ड्स, चैमेलियन एंड क्रोकोडाइल्स आर सम ऑफ द रेप्टाइल्स, स्नेक्स यानी सांप, वर्म्स यानी कीड़े,
अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स यानी देखो फील्ड में होता है ये, जो कि फार्मर को मदद करते हैं। ओके, ये एनिमल ऐसा होता है जो कि जमीन में होते हैं। लिजार्ड्स, चैमेलियन एंड क्रोकोडाइल्स आर सम ऑफ द रेप्टाइल्स। उसके बाद में अब हम देखेंगे वाटर क्रिएचर्स। वाटर क्रिएचर्स यानी पानी में रहने वाले जीव जंतु। द फिश लाइव्स इन वाटर। फिश होती है वो पानी में रहती है। द फिश हैज स्केल्स, फिन्स, गिल्स एंड अ टेल। देखो फिश की क्या होती है, स्केल्स। देखो इसे स्केल्स कहते हैं। ओके, फिन्स, फिन्स यानी पंख होते हैं। ओके, और गिल्स, गिल्स यानी गलफड़ा होता है। गिल्स यहाँ पे होते हैं, गिल्स एंड अ टेल, और एक पूछ होती है। ओके, देन वाटर एंड लैंड क्रिएचर्स। वाटर यानी पानी में रहने वाले और लैंड यानी कि जमीन पे भी रहने वाले, यानी कि जो एनिमल्स, जो क्रिएचर्स यानी कि जो जीव जंतु पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, वाटर एंड लैंड क्रिएचर्स। सम क्रिएचर्स कैन लाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स, ये टॉर्टोइज एंड क्रैब्स आर सम ऑफ द क्रिएचर्स विच कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ओके, ये जो एनिमल्स हैं, जो क्रिएचर्स हैं, ये फ्रॉग, टॉर्टोइज एंड क्रैब, वो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जो कि पानी के सिवाय लैंड पर भी ज्यादा रह सकते हैं। उसके बाद में एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एनिमल्स दो किस्म के होते हैं, कौन कौन से, एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। सो फर्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइव इन द फॉरेस्ट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, वाइल्ड एनिमल्स। सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर, देखिए कौन कौन से है, एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस, जिराफ्स, जेब्राज, मंकीज, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड डियर। ओके, ये जो है वाइल्ड एनिमल्स है। वी कैन सी दीज एनिमल्स इन अ जू ऑल्सो। और प्राणी संग्रहालय में भी हम इस एनिमल्स को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है जो कि अभी अभी हमने पढ़े। ओके, देखिए उसके बाद में द सेकंड इज डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स, सम ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर, कौन कौन से होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स, जिन एनिमल्स को हम पालते हैं, हमारे साथ में रखते हैं हमारे किसी यूज के लिए। ओके, काउज, बफेलोज, गोट्स, शीप, बुल्स, हॉर्सेस, डोंकीज, कैमल्स, पैरट्स, हेंस, डॉग्स एंड कैट्स आर द डोमेस्टिक एनिमल्स। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स बिकॉज दे लाइव इन और अराउंड पीपल्स हाउसेस। इन एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं बिकॉज दे लाइव इन, कि जो लोगों के घर में भी रहते हैं, और अराउंड पीपल्स हाउसेस, और जो कि लोगों के घर के आसपास रहते हैं, इसलिए उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। अगर ऐसा तो नहीं है लायन है और टाइगर है वो हमारे घर के आसपास रहता है, ऐसी बात नहीं है, वो जंगल में रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, और डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे साथ में रहते हैं और हमारे घर के आसपास भी रहते हैं। पीपल फीड एंड टेंड देम। पीपल उनको खिलाते हैं, लोग उनको खिलाते पिलाते हैं और उनकी केयर करते हैं। सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मिल्क। और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दूध देते हैं, मीट यानी मांस एंड वुल, और लोकर भी देते हैं, वुल यानी लोकर। सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट एज पेट्स। और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको हम पालकर रखते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ओके, नाउ रिमेंबर
एनिमल्स, फर्स्ट इज एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स, कैमल्स. काउज, बफेलोज, डॉग्स, कैमल्स, एलिफेंट्स एक्सेट्रा लाइव ऑन लैंड. ये जमीन पर रहते हैं. दे हैव फोर लेग्स, उनके चार पैर होते हैं, एंड अ टेल, और एक पूंछ होती है. सेकंड, लिजार्ड्स, टॉर्टोइज एक्सेट्रा हैव शॉर्ट लेग्स. लिजार्ड और टॉर्टोइज होते हैं, उनके पैर छोटे होते हैं. थर्ड, स्नेक्स हैव नो लेग्स. स्नेक्स हैव नो लेग्स, सांप के पैर नहीं होते हैं, वो अपनी बॉडी को खुद ही जमीन पर रेंगते हैं. ओके. फोर्थ, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग्स एक्सेट्रा लाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. क्रोकोडाइल्स और फ्रॉग्स होते हैं, वो जमीन और पानी में दोनों के यहाँ पे रहते हैं. देन फिफ्थ इज फिश लाइव ओनली इन वाटर. लेकिन जो फिश होती है वो ओनली पानी में रहते हैं. ओनली इन वाटर, फिश लाइव ओनली इन वाटर. देन द लास्ट वन इज इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल क्रिएचर्स. इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं. वेरी स्मॉल क्रिएचर्स, दे हैव सिक्स लेग्स, उनके छः पैर होते हैं, एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स, और पंखों की दो जोड़ियाँ होती है. देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा द एनिमल्स अराउंड अस ये लेसन फिनिश होता है. बहुत ही अच्छा लेसन है ये. मैं आपको इसके हार्ड वर्ड लिख के दूंगी, तब जाके आपको इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है. तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक गुड बाय.